साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 2.2 कुकिंग एंड ईटिंग फूड। यह आपके क्लास 4 का चैप्टर होता है। इसमें हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था कुकिंग एंड ईटिंग इन फैमिली, व्हाई इज फूड कुक्ड, और हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट आर डिफरेंट वे टू कुक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट मैथड्स ऑफ फ्राइंग, डीप फ्राइंग। यहाँ फिगर भी देख रहे हैं आप, डीप फ्राइंग का फिगर है। इसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड फूड इज़ कम्प्लीटली कुक्ड इन ऑयल, पकौड़ा चिप्स आर डीप फ्राइड। तो जो आपके पकौड़ा या चिप्स बनते हैं वो उसको खूब तेल में तला जाता है, खूब सारे तेल में। फिर आता है स्वेलो फ्राई, इन दिस मेथड फूड इज़ कुक्ड इन लिटिल ऑयल यूजिंग स्वेलो पैन, ऑमलेट, पराठा, ये सब स्वेलो फ्राई किया जाता है, ठीक है। एक होता है स्टील फ्राई, इन दिस मैथड फूड इज़ कुक्ड इन वेरी लिटिल ऑयल ऑन हाई फ्लेम। चाउमीन जो है इसी तरह से बनाए जाते हैं। अब आता है आपका नाउ माइक्रोवेव ओवन आर यूज टू कुक फूड, दिस टेक लिटिल टाइम टू कुक। अब माइक्रोवेव से भोजन बनाने का नियम आ गया है तो लोग बहुत कम समय में जल्दी से खाना बना लेते हैं, ठीक है। अब है आगे हम लोग इसी क्रम में पढ़ेंगे विच टाइप ऑफ विसिल आर यूज फॉर कुकिंग, भोजन बनाने के लिए किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो फिगर आप देख ही रहे होंगे, प्रेशर कुकर है, फिर आपका फ्राई पैन है, फ्राई पैन में फ्राई किया जाता है, उसके आगे देखिए आपका विसिल है, ठीक है, भगोना बोलते हैं लोग, फिर आपका कढ़ाई है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ विसेस आर यूज फॉर कुकिंग, सम कॉमन विसेस आर यूज इन किचन, प्रेशर कुकर, तावा, कढ़ाई, फ्राई पैन, जो फिगर में आप देख रहे हैं। अब है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल किस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे फायरवुड इज कॉमन यूज इन विलेज इन मड स्टोव, चूल्हा, ये जो आपके मिट्टी के चूल्हे होते हैं उसमें लकड़ी झोंक करके भोजन तैयार किया जाता है। अब केरोसिन, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड इज यूज इन केरोसिन स्टोव, ये आपने देखा ही वह किरासन का चूल्हा है और इसमें आपका पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल होता है। यह कोल इट इज मोस्ट वाइडली यूज फ्यूल, दिस इज द फ्यूल दैट बर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इज बर्न इन स्टोव मेड ऑफ आयरन, अंगीठी में इसका इस्तेमाल होता है कोयले का, ठीक है, इससे अंगीठी होता है जिसमें आयरन अंगीठी है और इसमें चूल्हा लगा करके आपका भोजन पकाया जाता है। चारकोल, इट इज़ यूज्ड इन आयरन स्टोव एंड अंगीठी एंड तंदूर में चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है, ये बढ़िया कोयला होता है, इसे धुआं नहीं निकलता है। दिस इज यूजअली मेड ऑफ वूड, ये लकड़ी से बना होता है, ठीक है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दिस फ्यूल इज सप्लाइड इन सिलेंडर में इसको भर करके सप्लाई किया जाता है। इट इज़ वाइडली यूज इन मैनी हाउसेस, बहुत ज़्यादा घरों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। मैनी हाउस होम्स इन सिटीज, टाउन, इवन विलेज, गांव, देहात और बड़े बड़े शहरों से छोटे छोटे शहरों तक हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग हीट एंड इज स्मोकलेस, तो ये आपका ज़्यादा गर्मी प्रदान करता है और ये धुआं इसमें कम होता है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगले बार हम लोग जानेंगे गोबर जो होता है जिसको काउ डंग केक कहते हैं उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप सब्सक्राइब को क्लिक करेंगे और बगल में जो बेल का बटन बना हुआ है उसको दबाएंगे और ऑल में क्लिक करेंगे ताकि आपको नया से नया नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।